খেলা হবে আমি চাই না আর অমিত শাহকে চাই না মমতা দিদি জি পাটিগা বাংলা চাই হ্যাঁ 1 লাখ ভোটে नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त नंदीग्राम के उस्मान चौक हाजरापाड़ा में मौजूद हूं और यहां पर लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यहां पर जो हवा सियासी तौर पर बह रही है वो कहते हुए नज़र आते हैं कि यहां पर टीएमसी की सरकार बन रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएँ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। कौन जीत रहा है यहाँ से? ममता दीदी जीतने। क्यों ममता दीदी? क्यों ममता दीदी? अच्छा, शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं? ना उना के मंत्रा वोट दो ना। अच्छा, कौन जीत रहा है यहाँ से? ममता दीदी। ममता दीदी? हाँ, ममता दीदी। क्यों ममता दीदी? क्यों ममता दीदी? ग्राम में उन्नयन करे छे, रास्ता घाट करे छे, जलेर कल करे छे। इधर आइए आप, इधर रहिए। हाँ, जलेर कल करे छे, सब रकम सुविधा हमारे करे दिए छे। शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं है यहाँ पर? शुभेंदु अधिकारी हमरा ममता दीदी के ভালোবাসি, ममता दीदी के देखे ভোট দিই। हाँ, शुभेंदु अधिकारी तो प्रथम देखे जानी ना, दीदी के जानी। अच्छा, उनको नहीं जानते आप लोग? ना, सिर्फ दीदी को जानते हैं। हाँ, दीदी के। क्या किया आप लोगों के लिए दीदी ने? दीदी अब हमारे अनेक ही करे छे, बही खाता दिए छे, स्कूले साइकिल, कन्याश्री। আমি বলছি রূপশ্রী, শুভশ্রী, রূপশ্রী দিয়েছে, কন্যাশ্রী দিয়েছে, শিক্ষাশ্রী দিয়েছে এবং শিশুশ্রী দিয়েছে। উনি আমাদেরকে সমস্ত কিছু দিয়েছে, তার জন্য আমরা মমতা দিদিকে চাই। ये लेकर के क्यों आप लोग ये क्यों रख रहे हैं अपने घर में? কারণ আমার মমতা দিদিকে আমরা খুব ভালোবাসি, তার জন্য আমার কাছে সব সময় মমতা দিদির। শুভেন্দু অধিকারী কিউ নেই? আমরা জানি চাই না উনাকে। नहीं जान रहे? ना, लेकिन शुभेंदु अधिकारी करे 50,000 वोट से हरा रहे ममता दीदी को। ओ भूल बोल छे। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है यहाँ से? ममता दीदी। ममता दीदी है। अच्छा, और लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कौन जीत रहा है यहाँ से। अरे ममता दीदी जीत है। कैसे? 1 लाख वोट जीत है। 1 लाख वोट? 1 लाख वोट। अच्छा, जीत है। बांग्ला बोलो, बांग्ला। ममता दीदी जो काम किया है आप लोगों के लिए, क्या किया? समस्त उन्नयन करे छे, हमारे ভালোমন্দ सब कुछ देखे छे। हैं, उनके वोट दिए जयजुक्त करब। 1 लाख वोटे। 1 लाख वोट से जीत? हां, एक बार जीत। अमित शाह कह रहे सोनार बांग्ला। अमित शाह सोनार बांग्ला नहीं है, माटी का बांग्ला चाहिए। फिर माटी का बांग्ला चाहिए? हां, माटी का बांग्ला ही सही है। हां हां, सोनार बांग्ला नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, सोनार बांग्ला चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों? ममता दीदी की चाहिए। सिर्फ ममता दीदी? ममता दीदी 100 दिन काज दिए, सबके दिए रास्ता होइचे, रास्ता होइचे, सब किछु उन्नयन होइचे। आमने चाहि दीदी के चाहि 100 दिन काज केनो, आमादेर पुखुर घाट केनो, सब किछु केनो, रास्ता सब होये गेछे, सब माटी रास्ता थेके पिच रास्ता होइचे, ढाल रास्ता होइचे। आमादेर ममता दीदी के चाहि, आमादेर खेला होबे, खेला होबे, पा भांगाई खेला होबे, ठीक आछे? আমাদের মমতা দিদিকে চাই, শুভেন্দু দিদিকে চাই না, আর অমিত শাহকে চাই না। ও বলছে যে সোনার বাংলা হবে, সোনার বাংলা তো হয়ে আছে, আমাদের আর রূপার বাংলা চাই না, আর সোনার বাংলা চাই না, আমাদের যে বাংলা হয়েছে সেই বাংলা চাই, আমাদের মমতা দিদিকে চাই। মমতা দিদি? মমতা দিদিকে। আপকো কোন চাই? ও মমতা দিদি চাই। হ্যাঁ, মমতা দিদিকে আমরাই চাই, কারণ মমতা দিদি যে মেয়েদের যে সুযোগ সুবিধা দিয়েছে সারা বিশ্বে কেউ এত সুযোগ সুবিধা পায়নি। এবং মমতা দিদি এই যে মেয়েদের যে কয়েক দফা মানে 18 দফা যে মানে ঘোষণা করেছে, তার জন্য আমরা খুব আনন্দিত। এবং বার্ধক্য ভাতা, 100 দিনের কাজ, এই কন্যাশ্রী, রূপশ্রী যাবতীয় মমতা দিদিকে আমরাই চাই, এবং উনি জিতবেই, নন্দীগ্রামের মধ্যে জিতবেই। अच्छा, नंदीग्राम से जीत रहे हैं? जीत रहे। शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं? वो शुभेंदु अधिकारी बोलते पर उन्हीं गाद्दारी को रेछे। हाँ, उन्हीं गाद्दारी किया है उन्होंने। गाद्दारी बोले जनगण ने सब थे के समस्त सुजोग सुविधा पे हमारे जनगण के ना जानिए उन्हीं जे बीजेपी ते चले गेलो, हमारे एलाकाय बदनाम एकटा दिए चले गेलो। अतएव उन्हीं दाड़ाइछे नंदी दीदीर संगे बोले, किन्तु हारबे। अच्छा, वो हार रहे हैं? हारे। और लोगों का कहना है, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कौन जीत रहा है यहाँ से। ममता दीदी कह दो। ममता दीदी? ममता दीदी? ममता दीदी को ही जिताएंगे। आप कहिए।
कौन जीत रहा है यहाँ से? ममता दीदी जीत। क्यों ममता दीदी? क्यों ममता दीदी हमारे जो अनेक किछु करेछे जेटा हमारे शुभेंदु करेनी, माने शुभेंदु अधिकारी माने ये ग्रुप एते ही छिलेन, ये पार्टी ते छिलेन, ठीक उनार हाथ धरा समय उनार हाथ छेड़े दिया बीजेपी ते जॉइन होया गेछे। अच्छा ओई जन्य उनाके आमरा तो आदोई चाई ना, उनी जदि आमादेर नंदीग्रामे जीतेओ जाय आमरा जीततेओ देबो ना, आमरा आमरा ममता दीदीकेई चाई। शुभेंदु अधिकारी कह रहे 50,000 वोट से हरा रहे दीदी को। आमरा 1,00,000 वोट दिए हराबो। 1,00,000 वोट से? हां तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर टीएमसी से दीदी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ बच्चे भी हैं, बच्चे से मैं जानने की कोशिश करूँगा, तो वो बच्चे थोड़ा सा बोलने से कतरा रहे। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरीके से ओपिनियन पॉल भी इसी आंकड़े को अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहाँ पर नंदीग्राम की जो हॉट सीट कही जाती है, नंदीग्राम एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हर किसी की नज़र है, पूरे देश की नज़र इसी विधानसभा क्षेत्र पर है, और ख़ासकर इसलिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से ममता दीदी कुछ चुनाव लड़ रही है। लेकिन कुछ बच्चे हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे और उसको किस तरह से देखते। इधर आइए आप, वो थोड़ा बोलने से कतरा रहे हैं। खैर बहरहाल ये देखने वाली बात होगी और समझने वाली बात होगी कि टीएमसी की सरकार बनती है या फिर शुभेंदु अधिकारी के ये सीट जो है उनके झोले में जाती है। लेकिन ओपिनियन पोल ये साफ बता रही है, और जो यहाँ पर जो महिलाओं का बुजुर्गों का जो कहना है, ममता दीदी की सरकार बनती हुई भी नज़र आ रही है। नंदीग्राम के उस्मान चौक से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।